से हॉलीवुड में डिकैप्रियो है तो हमारे देश में अक्षय कुमार है, चाइना में ग्रेट वॉल मोटर्स है, वैसे इंडिया में टाटा मोटर्स है। और दोस्तों जैसे अमेरिका में टेस्ला है तो वैसे ही अब भारत के पास भी अपना खुद का टेस्ला होगा। इंडिया की होम रूम स्टार्टअप कंपनी प्रवेग ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एक सेडान कार है। इस कार का नाम है प्रवेग एक्सटेंशन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इस इलेक्ट्रिक सेडान के बारे में, कैसे ये बन सकती है भारत की पहली सेडान गाड़ी जो कि फुल्ली फीचर लग्जरी होने वाली जैसे कि टेस्ला होती है, और इस गाड़ी को आप कितने रुपये में अपना बना पाएंगे, ये गाड़ी कब लॉन्च हो रही है, इन सारी डिटेल्स को पूरी विस्तार में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पे में नहीं आए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन के साथ। डिजाइन में आप इसे देखें तो ये एक लंबी सेडान गाड़ी है जिसके आप फ्रंट पे देखें तो आपको पतली पतली एलईडी स्ट्रिप लाइट्स देखने को मिलती है, और पीछे के तरफ भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया है। अब इसको देखकर आपको कुछ कुछ टेस्ला वाली गाड़ियाँ याद आती है। जी हां दोस्तों, ये टेस्ला ही है समझ लो भारत की। दोस्तों बात करें, यहाँ पर कंपनी दावा करती है कि ये गाड़ी 5 स्टार के ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग के साथ आएगी। हालांकि ये 5 सितारे इतने मजबूत है या नहीं ये तो ग्लोबल एनकैप में जाने पे पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कंपनी पहले से दावा करी है कि गाड़ी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप के हिसाब से रैंक करेगी, तो जाहिर सी बात है जब इसको इतना दावा कर रहा है तो इसकी बिल्ड और जो डिज़ाइन होगी वो औसम होने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी को 5 लोगों के बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें 8 एयरबैग्स दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 5 लोगों के लिए 8 एयरबैग्स जो कि काफी कमाल की बात होने वाली है। तो अगर हम इस गाड़ी को देखें डिजाइन वाइज और सेफ्टी वाइज तो ये गाड़ी सच में एक माइंड ब्लोइंग डील होने वाली है। अब दोस्तों बात करें इस गाड़ी की रेंज की, अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कितना किलोमीटर जाएगी एक बार चार्ज होने पर। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी का जो फुल रेंज है वो 504 किलोमीटर का बताया गया है, और आप इसकी बैटरी को 3 प्रकार से चार्ज कर सकेंगे। पहला है नॉर्मल चार्जिंग, दूसरा है फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग के जरिए आप इस गाड़ी को 80% तक चार्ज मात्र 30 मिनट में कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों इसका स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन है ये विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में अभी इसका चलन नहीं है। स्वैपेबल बैटरी होती क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी बैटरी कहीं डिस्चार्ज हो जाती है तो आप जाहिर सी बात है उसे चार्ज करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन स्वैपेबल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस सीधे स्टेशन पे ले जाना है और वो आपकी बैटरी को निकाल कर आपके गाड़ी में नई बैटरी डाल देंगे जो कि फुल्ली चार्जेड रहेगी, और जबकि वो वाली बैटरी डिस्चार्ज होगी तो आप इस बैटरी को निकाल कर फिर वो बैटरी को रेंट ले सकेंगे। ऐसे में एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि चार्जिंग रेंज वगैरह की। दोस्तों बात करें इस गाड़ी की पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में। दोस्तों इस गाड़ी में दिया गया है इलेक्ट्रिक मोटर जो कि 150 किलोवाट तक का पावर जनरेट करती है, और इसको पावर करती है 96 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। इस गाड़ी को 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार पाने में लगते हैं मात्र 5.4 सेकेंड, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर्स की तो यहाँ पर कोई ऐसा रिवलेशन आया नहीं है कि क्या क्या होगा, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो इसमें एक बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें आपको इंफोटेनमेंट से जुड़ी सुविधाएं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करें अभी आप इसके इंटीरियर का थोड़ा बहुत ग्लिम्स देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का इसका इंटीरियर हो सकता है। अब दोस्तों बात करें ये गाड़ी आप लेंगे कैसे और इसकी कीमत क्या हो सकती है और कब तक ये भारतीय बाजार में होगी लॉन्च। सबसे पहला सवाल, लॉन्च कब होगी, तो ये लॉन्च हो रही है अगले साल भारतीय बाजार में, और ये एक प्योर मेड इन इंडिया कार होने वाली है जो कि पहली हम कह लें इंडिया की अपनी टेस्ला। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर इसकी कीमत क्या रखी है और कब आप इसे ले सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दौर में यहाँ पर कंपनी कह रहा है कि आप इसे बाई नहीं कर सकते, इसे आप रेंट कर चला सकते हैं, मतलब कि आप इसे किराए पर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आपको लौटा देनी है। अब दोस्तों सवाल उठता है आप इसे कब ले पाएंगे। दोस्तों जब ये यहाँ पर कुछ सालों में अगर ये सक्सेस हो जाती है तो जाहिर सी बात है कंपनी इसे सेलिंग के लिए भी बाजार में उतारेगी, और यहाँ पर प्राइसिंग जो इसकी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो लगभग 10 लाख प्लस ही होने वाली है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फीचर दे रही है तो 10 लाख के पार ही इसकी प्राइस होगी। अब प्राइस क्या होगी ये तो हमें आने वाले साल 1.5 साल में मालूम चली जाएगा। कैसी लग रही है आपको भारत की पहली टेस्ला पैरारेक एक्सटेंशन ईवी, जरूर बताएं इसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ईवी वर्ल्ड पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी खबरें को सबसे पहले आपको बताते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ईवी वर्ल्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड अपडेट्स।